पैरा स्पोर्ट्स के ट्रायल सिंथेटिक ट्रैक में शुक्रवार को आयोजित हुए। ट्रायल के दौरान विभिन्न जिलों के पैरा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शुक्रवार को ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के खिलाड़ियों ने ट्रायल में हिस्सा लिया। गौर हो कि इस राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स इवेंट में विभिन्न खेलों को शामिल किया गया है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक ने प्रतियोगिता के संदर्भ में विस्तृत जानकारी साझा की। जो है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट ऊना और हमीरपुर के ट्रायल होंगे और इसी आधार पर कल जो है स्टेट लेवल हिमाचल का HPPA की अंडर में होगा। कम से 286 खिलाड़ियों का हमें अभी तक पता लगा है, लेकिन हो सकता है इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तरह से आने वाले खिलाड़ी होंगे तो उनका कुछ एग्जैक्ट नहीं बता पाते, तो लगभग 286 के आसपास मान के चलिए। कौन पैरा में जो है एथलेटिक्स सारी होगी, वेट लिफ्टिंग होगी, फिर व्हील चेयर, बैडमिंटन होगा, इसके अलावा जो है शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो होगा और वॉलीबॉल सीटिंग। गेमों को कराने का उद्देश्य हमारा ये है कि जैसे हम विकलांग बच्चे हैं हमारे साथ में, तो ये आगे बढ़ सके और जो स्टेट लेवल खेलने के बाद में ये अपना नेशनल खेलेंगे और नेशनल के बाद में इंटरनेशनल के भी स्कोप बनते हैं पैरालंपिक के लिए। और जो है यहाँ यहीं से हमारे प्लेटफॉर्म मेन प्लेटफॉर्म यहीं से तैयार होता है। मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का पैरा स्पोर्ट्स का अध्यक्ष हूँ। तो हमारा यही है कि हमारे जो विकलांग बच्चे थे पहले इनके लिए ये मंच नहीं मिल पाता था, हम 16 से लगे हुए हैं इसके लिए। तो पिछले साल हमने स्टेट लेवल की इनकी धर्मशाला में करवाई है। अभी भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का हमने गुम्बर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इनका ट्रायल करवाया था बच्चों का। तो मेन सर हमारा यही है और कि पहले तो हमें इनके लिए मंच ही नहीं था, तो अब कम से कम इन बच्चों को मंच तो मिला है। तो सरकार से हमारी करवत प्रार्थना यही है कि थोड़ा इन बच्चों की तरफ भी ध्यान दें और पैरालंपिक को जाने के लिए वैसे तो बहुत सारी कमेटियाँ या एसोसिएशन बनी हुई हैं, वो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट तक करवाते हैं, इसे आगे नहीं लेके जाते हैं। मगर पैरालंपिक में जब भी जाना है बच्चों ने, तो यही एक प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से होकर के जो भी बच्चा निकलेगा आगे जाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल जाएंगे, एशिया में खेलेंगे, तो यही एक प्लेटफॉर्म है हमारा कि जो बच्चा जो पैरालंपिक में खेल पाएगा। और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने आया हूँ और इससे पहले मैं व्हील चेयर क्रिकेट नेशनल लेवल पर खेल के आया हूँ उदयपुर सिटी। मतलब ये तो हमारा सौभाग्य हुआ है कि ये काम में बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे दिव्यांगजन आगे जा कर के मतलब एक अपना अपना नाम, अपना रुतबा बना सके, जिससे हमारे हिमाचल का नाम रोशन होगा। सर पावर लिफ्टर हूँ मैं और पिछले साल का चैंपियन भी हूँ स्टेट का और नेशनल में भी पार्टिसिपेट किए हुए मैंने। मेन सर इसका मोटिव जो है कि पैरालंपिक के लिए जो बच्चे जाते हैं, जैसे कि 2020 में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऊना के जो निषाद जी सिल्वर मेडल लाए थे, तो भारत का गौरव है वो, भारत का ही नहीं अपितु अपने गांव का नाम भी उन्होंने रोशन किया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो यही प्लेटफॉर्म है, यही से बच्चे निकलते हैं और पैरालंपिक के लिए जाते हैं। सर कोई सरकार से है आपकी डिमांड? सरकार की तरफ से सर हाँ डिमांड तो है कि हमें मतलब कोऑपरेशन चाहिए फुल और जो मतलब बच्चों को ग्रास रूट लेवल पर ट्रेनिंग मेन चीज़ ये है सर, अगर सरकार का पूरा सहयोग हो। वैसे तो चलो होता ही है, लेकिन तन मन धन से सहयोग हो तो बच्चे अच्छे मतलब उस पे निकलेंगे और अपने देश का नाम, प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे।